नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लर्निंग टॉक्स के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब इस कोरोना की जो मुश्किल घड़ी चल रही है उसमें आप एकदम स्वस्थ होंगे। दोस्तों अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और आगे अपने जीवन में बढ़ते रहिए। तो चलिए अब हम आज का टॉपिक जो है वो स्टार्ट करें। इससे पहले कि मैं आपका आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करूँ, मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। दोस्तों हमने स्टील बिट नाम से एंड्रॉयड के मोबाइल में जो प्ले स्टोर होता है उसमें एक एप्लीकेशन भी लेके आए हैं हम, जिसमें इन सारे वीडियोस पे जो कैलकुलेशन बताए जाते हैं उसी को डायरेक्टली यूज़ किया गया है। आप चाहे तो इसे इजीली जो है हमारा ये जो अपना एंड्रॉयड एप्लीकेशन है उसे आप यूज़ कर सकते हैं। और बिना जितना ज़्यादा इसे यूज़ करेंगे दोस्तों उतना ज़्यादा चांसेस होगा कि इसके अपडेट वर्जन आपके पास में आते रहे, ठीक है। तो इसे आप ज़रूर अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिएगा दोस्तों और इसे रखिएगा, पता नहीं कब ये आपके भी काम में आ जाए और इसमें सारे कैलकुलेशन आपको स्टेप बाय स्टेप मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आप मुझसे अगर कांटेक्ट करना चाहें तो हमारा एक व्हाट्सएप नंबर भी है, तो ये जो आप स्क्रीन पे अभी देख रहे हैं व्हाट्सएप नंबर, इस पे भी आप हमको कांटेक्ट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने ये कांटेक्ट नंबर अपने पास में लर्निंग टॉक्स नाम से सेव कर लिया है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम आज का टॉपिक स्टार्ट करें मैं आपको बता दूँ कि इससे पहले हमने ब्रेकआउट की सीरीज जो हमारी चल रही है कास्टर के अंदर में, जो सीसीएम में जो ब्रेकआउट्स होते हैं उससे संबंधित या उसके रिगार्डिंग जो है हमने 4 वीडियोस ऑलरेडी बनाए हुए हैं। उम्मीद करता हूँ आपने वो सभी वीडियोस जरूर देखे होंगे, ठीक है। और आज हम हमारा ये 5वां वीडियो स्टार्ट करते हैं जिसमें और 2 तरीके के हम ब्रेकआउट के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू दोस्तों। इसके पहले हमने, जैसे कि आप जानते हैं कि ब्लीडिंग स्कल या फिर स्टिकिंग या फिर स्केल फॉर्मेशन जो होता है या फिर स्लैक ब्रेकआउट और हैंगर फॉर्मेशन, इन 2 के बारे में 4 के बारे में बात किया था। आज हम जो बात करेंगे वो आगे और 2 नए ब्रेकआउट्स के बारे में बात करेंगे और उसके बारे में उसे कैसे कंट्रोल करते हैं वो जानेंगे। चलिए देख लेते हैं वो 2 ब्रेकआउट कौन से हैं। दोस्तों आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे बिलेट पंचर के बारे में। जैसा कि नाम से ही बिल्कुल स्पष्ट है कि बिलेट पंचर क्या होता है, बिल्कुल नाम से ही पता चल रहा है कि जब बिलेट पंचर हो जाता है तो उसे हम कहते हैं कि जनरली बिलेट पंचर मार दिया या फिर बिलेट पंचर हो गया, इस वजह से जो आपका स्टैंड टूट गया या फिर पूरा जाम लग गया या फिर कोई सा मशीनरी पार्ट डैमेज हो गए, ठीक है। तो इस तरीके के जो आपके ब्लेड पंचर वाला जो ब्रेकआउट है इससे आप भली भांति परिचित हो, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में थोड़ा जानेंगे जरूर। तो चलिए आगे बात करते हैं कि इस केस में होता क्या है। इन दिस केस लिक्विड मेटल कम्स अप फ्रॉम द कोर ऑफ द बिलेट, ठीक है। इसमें दोस्तों ऐसा होता है कि बिलेट जो है वो पूरी तरीके से सोलिडिफाई नहीं हो पाता है और इसी वजह से जो है आपका लिक्विड मेटल वो कोर से बाहर की तरफ में आने लगता है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ऐसा कब होता है, जब उसकी जो आउटर सरफेस है उसका प्रॉपरली से शेल जो है वो क्रिएट नहीं हो पाता है, जो शेल का जो फॉर्मेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है और वो जो है कमजोर रह जाता है, ठीक है। वो जनरली होता किस जगह पे है, तो देखिए दोस्तों होता क्या है कि अंदर की तरफ से, जैसे कि हम सब जानते हैं कि एक फेरोस्टेटिक प्रेशर जो लगता है जो कि बाहर की तरफ में लगता है, ठीक है। अब ये पंचर होता कहाँ है, या तो विड्रॉइंग वाले एरिया में जहाँ पे विड्रॉल है आपका, जहाँ पर हम रोलर से उसको प्रेशर देते हैं, ठीक है, या फिर जहाँ पर आप बिलेट को डिस्कनेक्ट करते हो स्ट्रेटनिंग वाला पोर्शन, वहाँ पर भी आपके रोलर के कॉन्टैक्ट्स में रहते हैं, वहाँ पे भी एक प्रेशर दिया जाता है, या फिर कटिंग के वहाँ पे, ठीक है। तो जब भी हम बोल सकते हैं कि दिस ब्रेकआउट हैपन बिकॉज लिक्विड मेटल डिडंट गेट सोलिडिफाइड, जैसे कि अभी हमने बताया कि लिक्विड मेटल जो है वो पूरी तरीके से सोलिडिफाई नहीं हो पाता है और लिक्विड फॉर्म में ही रह जाता है, ठीक है। इट मीन्स कि शेल भी उसका जो है वो कमजोर ही रहता है उस समय में, एंड व्हेन वी अप्लाइड एनी एडिशनल प्रेशर ऑन स्टैंड, ठीक है। जब और फिर ऐसी ऐसी कंडीशन में जब भी हम बाहर से एक अलग से उसके ऊपर में प्रेशर अप्लाई करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कटिंग कर रहे हैं तो जो गैस की जो फ्लेम है गैस कटिंग है उससे एक प्रेशर एक तरीके का लग रहा है उसमें, ठीक है। या फिर जब हम विड्रॉल से विड्रॉल वाले एरिया में जब आता है और वहां पर जो है आपका एक समझ लीजिए कि एक प्रेशर जनरेट एक फोर्स जनरेट होता है वहाँ पे और वो प्रेशर उसके ऊपर में लग रहा है या फिर स्ट्रेटनिंग वाले पॉइंट पे, तो होता क्या है कि जो वो जो कमजोर आपका शेल रह गया है वो वहाँ से क्रैक हो जाता है और लिक्विड मेटल जो पूरी तरीके से सॉलिडिफाइड नहीं हो पाया है वो आपका बाहर की तरफ में फ्लो होने लग जाता है, ठीक है। तो दिस कंडीशन इज वेरी डेंजर, ये जो परिस्थिति है बहुत ही डेंजर परिस्थिति है एंड कैन लीड टू मेजर एक्सीडेंट, और इससे इस कारण में जो है कई बार मेजर एक्सीडेंट भी होने के चांसेस हो सकते हैं और ये हमारी मशीनरी के पार्ट्स को भी डैमेज कर सकता है, ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए हमें क्या करना पड़े, तो उसके लिए सबसे पहले समझना ये जरूरी है कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बिलेट जो है आपका पूरी तरीके से सोलिडिफाई नहीं हो पाया। सोलिडिफाई नहीं हो पाया इसका क्या मतलब है कि हो सकता है कि उसको जितना पानी मिलना चाहिए था सोलिडिफाई सोलिडिफाई हो जाने होने के लिए
उतना सफिशियंट पानी उसको मिला नहीं है, ठीक है। फिर ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि हम जो कूलिंग कर रहे हैं वो सिक्वेंशियल कूलिंग है कि नहीं है। अगर वो सिक्वेंशियल कूलिंग है तो इजीली से आपका जो है वो कूलिंग हो जाना चाहिए और सॉलिडिफाई होना चाहिए। या फिर आपने मैनुअल में अगर सेट करके रखा है, या फिर स्पीड के रिगार्डिंगली आप देख रहे हो कि भाई हमारा पानी जो है वो ऑटोमेशन में भले चल रहा है लेकिन स्पीड के हिसाब से चल रहा है, लेकिन टेम्परेचर जो है वो जरूरत से ज़्यादा अगर आ गया तब भी ये परिस्थिति बन सकती है। तो हमको ये सारा सब कुछ ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा सुपरहीट कितना मेंटेन है, हमारा टेम्परेचर कितना आया हुआ है, हमने पानी कितना खोल के रखा हुआ है, मतलब पानी हम कितना दे रहे हैं उसको बिलेट को ठंडा करने के लिए, और प्राइमरी का पानी भी आपका बराबर है कि नहीं है, डेल्टा भी बराबर से है या नहीं है। तो इन सारी चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे और सिक्वेंशियल कूलिंग करेंगे तो हमारा बिलेट के पंचर होने के चांसेस नहीं के बराबर या बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा जब टेम्परेचर अगर आपका ज़्यादा हो तो हो, कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास में पानी जो है वो सफिशेंट ही होता है, हम उससे ज़्यादा नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो उस समय में हमको कास्टिंग स्पीड जो है उसको कम कर लेना होता है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर वही परिस्थिति वापस बन जाएगी जो बिलट पंचर के होने में सहायक होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे वजह हैं जिसके कारण में बिलट पंचर होने के चांसेस हो जाते हैं। इसमें आपने एक टर्म देखा कि यहाँ पे सिक्वेंशियल कूलिंग लिखा हुआ है, तो मैं आपको बता दूं कि सिक्वेंशियल कूलिंग का यहाँ पर ये मतलब है कि एक सिक्वेंस में कूलिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि रिंग में आपने ऊपर की दो नोजल 80-62 के लगा दिए, उसके बाद 60 लगा दिया, उसके बाद नीचे में वापस जोन वन की तरफ में बढ़े तो फिर वापस 80 का लगा दिया, फिर 40 का कर दिया, फिर 50 का कर दिया, ऐसे नहीं। जो आपका एक सिक्वेंस पूरा जो आपका मशीन का जो डिज़ाइन के हिसाब से जो जिस भी कंपनी का आपके पास में कास्टर लगा हुआ है, उस कास्टर के अपने खुद के एक डिज़ाइन होते हैं और उस डिज़ाइन के हिसाब से उन लोगों ने एक सिक्वेंस डिसाइड किया होता है कि भाई हमारी मशीन में इस सिक्वेंस में आपको नोजल लगाना है, तो उसी सिक्वेंस में वो नोजल होना चाहिए। अगर वो सिक्वेंस में अगर कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा तो इस तरीके के ब्रेकआउट होने के चांसेस हो सकते हैं। तो सिक्वेंशियल कूलिंग आपको करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, मेटल का टेम्परेचर आपका कंट्रोल में रहे, कास्टिंग स्पीड कंट्रोल में रहे, अगर ये सारी चीज़ें कंट्रोल में रहेगी आपकी तो बिलेट पंचर नहीं होगा। तो आई होप कि आपको ये अभी बिलेट पंचर वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। इसके बाद में जो अगला ब्रेकआउट है वो है फ्लो डिस्टरबेंस। तो दोस्तों कई बार हमने देखा कि फ्लो डिस्टर्ब हो जाने के कारण भी, जैसे कि हमने कौन सा वाला ब्रेकआउट, स्लैक ब्रेकआउट जो हमने बात किया था, ठीक है स्लैक ब्रेकआउट तो चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन जो स्टिकिंग वाला बात किया था उसमें भी आपका जो हैंगर वाला जो बात किया था, तो इन सारे चीज़ों में फ्लो भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो फ्लो किसका, तो इन दिस टाइप ऑफ ब्रेकआउट फ्लो फ्रॉम टंडिस लेडल टू टंडिस और फ्लो फ्रॉम टंडिस टू मोल्ड गेट डिस्टर्ब। कई बार ऐसा हो जाता है कि लेडल से जो आपका फ्लो गिर रहा है टंडिस के अंदर में वो डिस्टर्बेंस उसमें हो जाता है, एकदम से लेडल चोक होने लग जाता है, ठीक है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि जो टंडिस से आपका फ्लो गिर रहा है मोल्ड के अंदर में वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसा होने के कारण या तो कोई स्लैग का पार्टिकल वहाँ पे आ गया है, ठीक है, या फिर टेम्परेचर नहीं मिल रहा उसको बराबर से, तो कुछ एक्स वाई जेड वजह हो सकती है, या फिर आपका नोजल का जो क्वालिटी है वही बराबर नहीं है, कट गया है नोजल, ठीक है, उसके कारण में भी फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है। दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ लो मेटल टेम्परेचर इन बोथ लेडल एंड टंडिस। जैसे कि अभी हमने बात किया कि भाई वो टेम्परेचर के कारण भी हो सकता है। दिस ऑल्सो हैपन बिकॉज ऑफ स्टकिंग ऑफ एनी स्लैग पार्टिकल एट टंडिस नोजल एरिया। जैसे कि अभी हमने बात की पिक, मान लीजिए कि कोई स्लैग पार्टिकल अगर आ गया, ठीक है, बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मेटल। हाँ ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, मान लीजिए कि सब कुछ सही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेटल का कंपोजिशन ही इस तरीके का है कि कभी कभी वो फ्लो उसका बराबर रह रहा है और कभी कभी वो लेडल को चोक कर दे रहा है या फिर टंडिस को चोक कर दे रहा है, ठीक है, तो उस परिस्थिति में भी फ्लो जो है आपको डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए, तो अगर हम बात करेंगे कि देखें वी ऑलरेडी नो दैट डिस्टर्बेंस इन फ्लो कैन लीड टू हैंगर ब्रेकआउट। जैसे कि हमने हैंगर ब्रेकआउट के तो समय में भी बात किया था दोस्तों कि जो हैंगर टाइप का ब्रेकआउट होता है वो फ्लो डिस्टर्ब होने के कारण भी हो जाता है, ठीक है। तो क्योंकि अब हम, ये हमें पहले से ही पता है कि भाई अगर फ्लो डिस्टर्ब होगा तो हैंगर ब्रेकआउट होने के चांसेस हो सकते हैं, और हैंगर ब्रेकआउट हो वो ना हो उसके लिए क्या करना है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो टू अवॉइड सच ब्रेकआउट वी नीड टू मेंटेन प्रॉपर टेम्परेचर, कि भाई टेम्परेचर हमारा बराबर रहे ताकि सिक्वेंस में आपका जो है वो फ्लो एकदम स्ट्रीम लाइन में जो है फ्लो गिरता रहे। इसके अलावा प्रॉपर मेटल कंपोजिशन, जो मेटल का जो कंपोजिशन जो मेटल बन के आ रहा है वो भले अपने हाथ में ना हो लेकिन फिर भी कोशिश यही होना चाहिए कि जो मेटल बन के आ रहा है वो सही हो। एंड टू डू क्लीन टंडिस प्रैक्टिस, और इन सब के अलावा कि भी जो टंडिस प्रैक्टिस, मतलब कि हमने इसके पहले भी बात किया था
कि हम जब कंडीज बनाते हैं वो एकदम से बढ़िया रहे और क्लीन रहे। फ्लो डिस्टर्ब होने के और भी चांसेस होते हैं कि कई बार आपने ध्यान दिया होगा कि भाई लो टेम्परेचर की वजह से तो फ्लो डिस्टर्ब हो ही रहा है, तो लो टेम्परेचर होने का कारण क्या है? मान लीजिए कि आप फर्नेस जो टेम्परेचर लेके आए हैं वो सही है, लेडल के अंदर जो टेम्परेचर आया आपने फर्जिंग के बाद का वो भी सही है, टंडिश में जब टेम्परेचर जब मेटल गिरा वहाँ तक कुछ देर तक 5-7 10-15 मिनट तक वो भी सही रहा, लेकिन अचानक से फिर फ्लो डिस्टर्ब हो गया, अचानक से चौक हो गए, उस परिस्थिति में क्या करेंगे? तो उस परिस्थिति के लिए दोस्तों क्या है कि आप जो टंडिश में साइड लाइनिंग टंडिश बोर्ड के पीछे में जो हम लोग रेता डालते हैं वो मॉइस्चराइज्ड नहीं होना चाहिए, वो जो है वो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। अगर ज़रूरत लगती है तो हम उसे गर्म करके भी यूज़ कर सकते हैं। आपके टंडिश बोर्ड जो है वो ड्राई होना चाहिए, वो हीटेड एरिया में या हीटेड रूम में रखे होना चाहिए, वो भी मॉइस्चराइज्ड नहीं होना चाहिए। अगर वो सब होगा, मॉइस्चर अगर उसके अंदर में रहेगा तो बहुत सारे चांसेस है कि आपका लिक्विड मेटल का जो टेम्परेचर है वो ड्रॉप हो सकता है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी पॉइंट्स है, छोटी छोटी चीज़ें हैं दोस्तों। तो इन सारी चीज़ों का अगर हम बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे तो फ्लो डिस्टर्बेंस जो है वो नहीं होगा। एक और चीज़ हो सकती है कि जैसे हमने क्वालिटी की बात की थी कि भाई टंडिश नोजल का जो क्वालिटी है वो प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि आपने 1 पेटी नोजल यूज़ किया या 10 पेटी नोजल यूज़ किया और ऐसा हर समय हर रोज ये प्रॉब्लम होता है, ऐसा तो है नहीं, तो हो सकता है कि कोई सा एक पीस खराब आ जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि सारी की सारी क्वालिटी खराब है, लेकिन फिर भी हमको जब भी हम उसको यूज़ कर रहे हैं टंडिस को जब के अंदर में जब हम टंडिस नोजल को लगाते हैं तो ये हमारा एक ड्यूटी हो जाता है या एक काम हो जाता है कि हम उसको एक बार अच्छे से देख लें और उसे भी हम जो है वो गर्म करके ही लगाएं। ठीक है, तो ये सारा फ्लो डिस्टर्बेंस के बारे में था। आई होप कि आपको आज के इस वीडियो में दोनों कंसेप्ट जो है वो बहुत ही इजीली तरीके से समझ में आ गए होंगे। ये सारे ब्रेकआउट जो है वो ब्लेड पंचर होना, फ्लो डिस्टर्बेंस होना, ये आमतौर पर ज़्यादातर होते नहीं है, लेकिन जब होते हैं तो ये एक मेजर ब्रेकआउट में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए भी हमको क्या चीज़ों का ध्यान रखना है ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो आई होप कि आपको ये सारा सब समझ में आ गया होगा, और उम्मीद मैं ऐसे करता हूँ कि आने वाले वीडियोस में हम आगे और भी सारा सब कुछ लेके आएंगे, इसके आगे और भी दूसरे बारे के ब्रेकआउट के बारे में लेके आएंगे, तो उसके लिए आप हमारा बेसब्री से इंतज़ार कीजिएगा। ठीक है, और ये जो वीडियोस हमने आज पोस्ट किया है इसके पहले भी हमने ब्रेकआउट से संबंधित वीडियोस पोस्ट किए हुए हैं, उनको भी आप ज़रूर देखिएगा। अगर ऐसा होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा बाकी के वीडियोस की भी। इसके अलावा आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जब विजिट करेंगे तो वहाँ पर भी आपको सारी वीडियोस इजीली मिल जाएंगे। और आप उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी एंड्रॉयड की जो एप्लीकेशन है स्टिल बीट उसे सर्च करके अपने पास ज़रूर यूज़ करेंगे, ठीक है, डाउनलोड करके रख लेंगे ताकि वो आपको काम आते रहे। तो आने वाले वीडियोस में हम हमारे दूसरे और भी ब्रेकआउट्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, आपने हमारे इस वीडियो को देखा, उम्मीद करता हूँ कोई हमारा वीडियो आज का बहुत पसंद आया होगा। कहीं पे कुछ कमी लगती है या फिर कुछ नया आपको कुछ बताना है, कुछ गलती अगर हमसे हुई है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं, आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, वीडियो की स्टार्टिंग में हमने व्हाट्सअप नंबर दिया है। ठीक है, और आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी हमारा एक नया वीडियो आए तो आपको इजीली से जो है वो पता चल जाए। तो थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।